मुख्यमंत्री माननीय श्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी, क्योंकि चुनाव जो होने जा रहे हैं उसका शुभारंभ आपके इस हल्के से करने जा रहे हैं, आपके बीच में विराजमान है हमारे विधानसभा में साथी विधायक श्री सुदर्शन बब्लू जी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे कुलदीप कुमार जी, हमारे सतपाल रहजादा जी जो कि ऊना के पूर्व में विधायक रहे हैं, और आपके समक्ष मेरे साथी खड़े हुए हैं वीरेंद्र धर्मानी जी, वाइस प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, विवेक शर्मा जी जो कि आपकी कुटलायर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, विवेक शर्मा जिंदाबाद, रणवीर सिंह राणा जी प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, राम आसरा शर्मा जी प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुटलायर। जब आपके लोकल विधायक ने सर पार्टी के साथ गद्दारी की तो उसमें बात आई, कहने लगे कि इस अध्यक्ष को भी निकाल देते हैं साथ के साथ। मैंने कहा वो तो सच्चा पक्का कांग्रेस ही है, ये कहां पे आप उसका नाम ले रहे हैं। आज हमारे मंच पे विराजमान है और हम ऐसे नेताओं पे फक्र है जो कि कांग्रेस पार्टी का अलख जगाते हैं। विवेक मिंका जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है कुटलायर हल्के के, विजय डोगरा जी स्पोक्स पर्सन है, देशराज गौतम जी सचिव है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, अरुण पटियाल जी इनका तो आपको पता ही है कुटलायर के नेता है, सुदेश शर्मा जी सेक्रेटरी पीसीसी, हमारे साथी मजीद डोगरा जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनमें विधायक रहे हैं, और मनकोटिया जी हमारे साथी वो भी यहाँ पे मंच पर विराजमान है, कपिला जी विराजमान है, और एक लंबी लिस्ट है हमारे धनेश्वर पटियाल जी पीसीसी के हैं, फौजी साहब फौजी जी और भाई उधरों तक के बाज रहे मैं भी कर रहा हूं, हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष यहां पे हैं उर्मिला जी, और राघव जी हमारे जिला के यूथ कांग्रेस के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष हैं, बहुत से नेता मंच पर विराजमान है इस समय, और जो आज खासतौर पर ये जनता यहाँ पे आई है मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्या ऊना की पावन धरती पे हम मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, वहीं पे आप सबका भी हम अभिनंदन करते हैं कि आप यहाँ पे आए, और चुनाव की शुरुआत होने जा रही है और किन परिस्थितियों में ये चुनाव होने जा रहा है ये आप सबको मालूम है, और एक तरफ तो आजकल ये चल रहा था कि देश में आप देख रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं,
दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया। ये एक नया लोकतंत्र जो है देश में सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की एक सरकार को 14 महीने पहले बनी, उस सरकार को गिराने की एक निर्णायक कोशिश हुई। सरकार गिराने की कोशिश हुई, हम 40 लोग जीत के कांग्रेस हाथ के निशान पे जो है शिमला पहुंचे। शिमला में 68 कुर्सियां लगी हुई हैं, 68 कुर्सियां शिमला में लगी हुई हैं एमएलए को बिठाने के लिए। हर हल्के से एक एमएलए जाता है, उसको कुर्सी मिलती है वहां शिमला में। और हम 40 लोग एक तरफ, 3 निर्दलीय और 25 लोग बीजेपी के। लेकिन सरकार गिराने का प्रयास हुआ, और अब आपके सामने सारी स्थिति आ गई। जिन 9 लोगों ने सरकार गिराने की कोशिश की, उन सब 9 के 9 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी। अब आप बताओ, सरकार गिराने के पीछे कौन सी ताकत हिमाचल प्रदेश में काम कर रही थी? 9 लोगों को टिकट देने से साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराने का प्रयास किया। 11 ठाकुर बार बार कहते हैं कि ये लड़ाई कांग्रेस की अंदरूनी थी, ये अंदरूनी लड़ाई नहीं थी। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, और आज उन लोग 9 लोगों को टिकट दिया गया है। जो अब लड़ाई होने जा रही है, लड़ाई कांग्रेस में होगी और लड़ाई कांग्रेस के भागियों में होगी, भारतीय जनता पार्टी कहां पे? आप बताएं कि भाजपा का कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है? जिन 6 सीटों का चुनाव का घोषणा हुई है, उन सब पे कांग्रेस के जो पूर्व में एमएलए रहे हैं वो लड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर इस समय विद्रोह होगा थोड़े दिन में आपने देखना, वो भारतीय जनता पार्टी का। भाजपा के अंदर बहुत बड़ी चिंगारी सुन रही है। बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता जिनको कहा गया है कि कांग्रेस से 9 मेहमान आए हैं, उनके लिए वोट मांगो। बृंदर कंवर ने नीचे तड़ दड़ा नो सच है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ऊना में तो हम जीतने नहीं देते दोनों से। मैं जयराम जी का एक बयान सुन रहा था,
उनका मैं बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि चार दूर को दो सरकारें बनेंगी, एक दिल्ली में बनेगी, एक हिमाचल में बनेगी। जयराम जी नींद में सपने लेने मत करो, नींद में सपने मत लो। और यहाँ पे आज भी हम बहुमत में हैं। जयराम बताएं कि उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अल्पमत में है, कहां से हम अल्पमत में हैं? जब 66 की सरकार थी तो 40 हमारे थे, आज 62 की सरकार है तो 34 हमारे हैं। अगर इंडिपेंडेंट निकल जाएंगे, इंडिपेंडेंट भी बाहर हो गए तो 59 का हाउस हो जाएगा, तब भी तुम 25 हो, हम 34 है। तुम्हें सरकार बनाने के लिए 66 के हाउस में 10 आदमियों की जरूरत है। इलेक्शन 9 पे हो रहा है, सीधे 10 चाहिए। हमें अगर 66 का हाउस होगा तो हमें एक आदमी चाहिए। अरे एक तो हम वुडलैंड से ले जाएंगे। मुख्यमंत्री, ऊना के लोग कहते हैं कि ऊना के लोग कहते हैं कि शुक्र है कि गगरेट में और कुटलैर में 14 महीने में छुटकारा हो। अब बाकी के जो 46 महीने हैं आपके बड़े प्यार से करेंगे। बहुत दुनिया परेशान थी इन MLA से, विधायकों से ये कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती थी, आपकी सुनवाई नहीं होती थी। आप कितनी बार आए आप बताते मुख्यमंत्री जी को, सब कुछ करवा के सारे ठेके ले लिए सारे कृष्णों पे टैक्स लग गए, हर तरफ लूट मची हुई थी। फिर कहते हमारी सुनवाई नहीं। एक बार मैं आपको बता दूं, पार्टी नमस्कार मिलने मैडम जी MLA एक बार बनना जोड़ा ना वो ही बड़ा औखा होगा और तुम गुबार लॉटरी बार बार नहीं लग रही हूं जेडे कहते कि ऐसी गुबारा जनता के दरबार से जावे, ये जनता का प्यार बैठी है। जुतियां मारन और सिद्धि सिद्धि गल है बिक्कू भाई जिंदाबाद, बिक्कू भाई जिंदाबाद। पता लग गया कारण नहा तक है।
ਅਕੜੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਅਕੜਦਾ ਹੋਰ ਕਿਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਸਰ ਮੁਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 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 ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਬਲਾਕ ਹੋਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਯਾਰ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ जोड़ी बजना जी बॉल नहीं गजनी जनता है सब कुछ जानती है और कांग्रेस पार्टी रहूगी जेड़े कह रहे हैं कि ऐसी देश की सारे संसार की सारे बड़ी पार्टी है संसार की सारे बड़ी पार्टी जेड़े कह रहे हैं उन्होंने नौ उम्मीदवार तक कांग्रेस के मुकाबले पे कंगड़ तोड़ देंगे देखो देखो उन्ना दे लोग जरा है कुछ हटके ही काम करते कमल भी आती ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
पहले बदला इस करके मैं तो सारे ये कहना चाह रहा कि चुनाव आ गए पूरे दिल के नाल मुख्यमंत्री जी किथे दे है हमीरपुर पूरा
ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਲ ਮਾਰੋ ਉੱਤਾ ਕੀ ਛੱਕਾ ਨਹੀਂ ਖਾਪ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ।